तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा के साथ आप किस प्रकार के वीडियो बना सकते हैं जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उसी वीडियो को साउंड पे आपको इस तरह के एक वीडियो आपको शूट कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन प्लस काइनवास्ट एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। आप HD बैकग्राउंड डायरेक्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड में पड़ा हुआ है, तो मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इमेज पर क्लिक करना है, क्रॉप पर क्लिक करना है, इसे आपको यहाँ से इक्वल कर देना है क्योंकि ये जो इमेज जो है आपको छोटा बड़ा हो रहा था, छोटा बड़ा अब नहीं होगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इस इमेज को आपको 34 से 35 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे, लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे। इसके बाद आपने जो ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो देख सकते हैं हमारा रॉन्ग साइड शूट किया गया था, सबसे पहले हम वीडियो को रोटेट कर देते हैं। इसके बाद जो वीडियो में हमारा एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, वीडियो पर प्रेस करके रखेंगे, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तब वीडियो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको क्रॉप कर देना है। तो सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद डन कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसे आपको इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद क्रोमा की पे आना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पर आना है, ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको शो मास्क पे आना है और आपको जो बॉडी जो है आपको वाइट होना चाहिए और बाकी का पार्ट आपको ब्लैक होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सही तरह से एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद डन करना है। डन करने के बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसको आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे, इसके बाद आपको जो प्रियंका चोपड़ा का जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस वीडियो को आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है और आपको शो मास्क पे आना है और आपको यहाँ पर सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन करना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको सबसे पहले क्रॉप कर देना है। इसके बाद डन करेंगे, इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस तरह से वीडियो को आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सही तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं क्रोमा की हमारा सही तरह से इनेबल नहीं हुआ, तो फिर से हमें क्रोमा की पे जाना है और सही तरह से हमें इनेबल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं लगभग हमारा क्रोमा की इनेबल हो गया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इस बैकग्राउंड को इस तरह से नीचे तरफ आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद इस बैकग्राउंड को फुल साइज आपको कर देना है। इसके बाद फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट ले लेंगे। इससे हम कुछ फिर से हमें इस तरह से आपको इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट आपको कर देना है। अब वीडियो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे आना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को आपको शूट कैसे करना है,
आपको एक मोबाइल फ़ोन में इस वीडियो को प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।